हम लोग एक कैफे में आ गए हैं, तो आप वो कैफे देखिए क्योंकि हम भी ऐसा कैफे पहली बार देख रहे हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं डॉल्फिन शो में। हम यहाँ पे देखते हैं कि टिकट कितने की है। फोटो विद सील 500 भारत, स्विम विद डॉल्फिन 6000 भारत। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। फोटो विद डॉल्फिन 500 भारत। वीआईपी सीट्स, डिलक्स सीट्स। सो वीआईपी सीट्स इज वेरी क्लोजेस्ट टू द शो। यस, वेरी क्लोजेस्ट। $900 per person. It is 700 baht per person. 2, 5. Show time is 11 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock. Duration for sure 15 minutes. ठीक है, ये सारे इनके जो है टाइमिंग। ओके, देखो ये हमारी टिकट कैसी है। कभी गुड। 1, 2, 3, 4, 5. ये है वीआईपी सीट, ये है डिलक्स सीट, रेगुलर कहाँ भी यही है। फुल डॉल्फिन हाय। ये है डॉल्फिन स्विमिंग। तो दोस्तों हमारा आज का ये जो टूर था फिलहाल डॉल्फिन शो का, ये ओवर हो गया। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और खतरनाक जानवर के पास जा रहे हैं। आपको मिला के लाते हैं, चलिए। हाँ तो जानवर ही जानवर है। आओ चलो मिला के लाते हैं, मेरे पास मिला के लाते हैं। मैंने कहा था ना आए तो यहाँ पे हर तरह के जानवर, हर तरह के एनिमल्स मिल के जाएंगे, तो वही कर रहे हैं अब हम लोग। दोस्तों हमारे पहले और अब दूसरे वाले शो के अंदर टाइम पड़ा था 1 घंटे का, तो हम लोग एक कैफे में आ गए हैं, तो आप वो कैफे देखिए क्योंकि हम भी ऐसा कैफे पहली बार देख रहे हैं। दिस इज द कैफे एंट्री। क्या है ये कैफे, है कहाँ के जंगल में? ये है नैन कैफे एंड गैलरी। वाव बढ़िया बना हुआ भाई। वाव अच्छा बनाया हुआ। खाने पीने की जगह कम है पर ग्रीनरी को उन्होंने बहुत ज्यादा वो दिया इम्पोर्टेंस। बोला नहीं था बस वेट लेके बोल रहा था। एंड दिस इज द कैफे। माने लाइन में लग गई है टिकट लेने के लिए शो की। ये सबसे अच्छी बात है कि आप पढ़ नहीं पाओगे कि अभी हम कहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आपको अंदर जाकर ही दिखाऊंगा कि क्या है।
तो आप बस इसको पढ़ के कोशिश करिए समझने की क्या चीज है। हम लोग पहुंच गए क्रोकोडाइल शो के लिए। मेरे को लगता है हम यहाँ पे सारे मोस्टली एनिमल्स के शो देख ही लेंगे। डॉल्फिन शो देख लिया, टाइगर शो देख लिया और हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल शो देखने के लिए। नितिन हाउ मच फार चलो पहले ओके गाइस एंट्री होती है स्टोन पार्क। हमें भी नहीं पता क्या है पर है। देखो ये स्टोन पार्क इसलिए हुआ होता है बस स्टोन से देखो क्या मतलब जो मार्बल्स होते हैं उनसे क्या क्या कार्विंग हुई हुई है। और जिसमें आपको दिखाती हूँ फॉर एग्जांपल ये फ्रॉग देखो आप, ये देखो ये है फ्रॉग, ये मार्बल है और ये मार्बल पर सारा क्रेव कर रखा है इन्होंने तो इसलिए इनको स्टोन पार्क बोलते हैं। देखो कितने स्टोन से क्या क्या बना। अरे ट्रेन चुक 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 नो चुक 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 चुक। ये देखो स्टोन से क्या कार्विंग हो रखी है। ये मुझे छोड़ के हमेशा आगे निकल जाते हैं ये लोग क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग चक्कर हमेशा लेट हो जाता है चलने में। अरे इन लोगों को कौन समझाए, अपनी ऑडियंस को बताना भी तो है भाई साहब ताकि हमारी ऑडियंस आए हमारे मिस्टर मिस्टर अग्रवाल के ब्लॉग्स देखकर वो ये सब इंजॉय कर सके। हम लोग आ गए हैं क्रोकोडाइल शो के अंदर। ये देख सकते हो राउंड वन टाइम ये दिखे हुए हैं सारे। इस टाइम को ड्यूरेशन में आना क्योंकि हमें इसी की वजह से एक घंटा हमारा वेस्ट हो गया। हम यहाँ 3 बजे पहुँच गए थे पर हमारा जो राउंड 7 है वो 4 बजे का है। आप चाहो तो ऐसी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो ककड़े का 200 बाहर देख के आपको सारी पिक्चर्स क्लिक करवाने को मिलेगी। आई लेट मी फाइंड माई बेबी एंड माई हस्बैंड दे आर हियर लेट मी रिकॉर्ड देम फर्स्ट से हाय विदान हाय। तो अब जैसे आप देख लिया यहाँ पे एक क्रोकोडाइल तो रेडी कर रहे हो खाना सूखा है ना वहाँ पे। ये तो कतई मुझे ले राज से इसे कहते हैं मौत के मुंह को तुझे वापस आना। भाई असली हार्ड मनी तो ये कमाना चाहता है। और भैया अलग तक हाथ दे दिया थूक निकाल दिया इसका बाहर इसने। ये तो सुनना चाह रहा है इसके साथ में ये खतरों का खिलाड़ी
ये खतरों का खिलाड़ी है जो ज्यादा कोकोनट के मुंह में फोटो पिक्चर क्लिक करवाने उसके साथ। शुभम ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। मजाक सेट के बी सेफ। हां ज्यादा मजे मत लियो उससे। शुभम कैन शी कम विद मी टू क्लिक माय फोटो। या हेलो इंसान। ओके ओके शुभम ऑल द बेस्ट बी सेफ। हां स्किन कैसी लग रही है? डिफरेंट टफ स्किन है यार ये तो। ओ भाई डोंट डू दिस ना। उसे वो सर वाली पूछो। सर वाली कह रहा है ना पागल है। ओ वाओ तो थैंक यू सो मच। गाइस अगर यहां पर आओ तो ये स्टोन पार्क में क्रोकोडाइल शो में जरूर आना। किसी क्रोकोडाइल ही नहीं, सी what we found giraffe and we have elephants also. Okay anu aja chaka kata samrama pramannilinta nichchari bilolavi chivallari mai ko lagta hai aye mani aaj to daan poon kar rahi hai tu bhi meri likha bhi tha na din mein ke aap तो गाइस ये रहा टर्मिनल 21 द फेमस मॉल इन द पटाया आर्ट इन पैराडाइज। यहाँ पे टिकट ले रही है आर्ट ऑफ पैराडाइज की, जहाँ पे आप देख सकते हैं अडल्ट का जो है 400 बात है, चिल्ड्रन का 200 बात है। ये यहाँ से एंट्री होती है द लार्जेस्ट इल्यूजन आर्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। हमें यहाँ पे अपने जूते उतारने पड़ते हैं आर्ट ऑफ पैराडाइज में अंदर जाने के पहले। इनके ना एक ऐप है आर्ट इन पैराडाइज करके, जो हम स्कैन के थ्रू भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आर्ट इन पैराडाइज सर्च करके कर सकते हैं। नहीं तो आप डिफरेंस देखिए विद इनकी AR ऐप के साथ ऊपर वाला और नीचे नो ऐप के साथ कितना डिफरेंस है इमेजेस के अंदर। इन लोगों के ना यहाँ पे ऐप के बाद ना यहाँ पे फिर इनके AR स्कैन पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ से जब आप पिक्चर्स को स्कैन करोगे ना तो जीवित हो जाती हैं, यानी कि जिंदा हो जाती है। मैं आपको ना एक सैम्पल दिखाता हूँ। मैंने अभी इनका ये AR ऐप चलाई हुई है अपने फ़ोन के अंदर। मैं AR स्कैन पॉइंट पे खड़ा होता हूँ और जब मैं सामने करूँगा, अभी आप देखो ये बिल्कुल नॉर्मल पिक्चर है, कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब जैसे ही मैं इस फ़ोन को आगे लाऊँगा तो ये आप ये देख सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज आपको आवाज़ भी आ रही होगी, पूरा इफेक्ट भी आपको दिख रहा होगा, पता चल रहा है ना। तो ये इस ऐप की पावर है। अब आप समझे मेरी बात को, समझ गया ना दोस्तों, ये पावर है इस ऐप की। आओ अब आपको ऐसे पावर वाले किससे आगे और दिखाते हैं हम लोग। मानी जरा एक बार खड़ी हुई हो, देखें तेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। अरे इधर मुड़, इधर को मुड़। हाँ ऐसा तेरे को चला रहा है, ये तो तेरे को चलाने की कोशिश में है। हाँ सही है भाई, लेट्स गो। अब जब अंदर आते जाओगे तो आपको ना इस तरीके से इमेजेस मिलती जाएंगी, और जहाँ जहाँ आपका AR पॉइंट लगा होगा ना तो वहाँ पे आप स्कैन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो आपको स्कैन वाली इमेजेस मैं अभी दिखाता हूँ। तो फिर दोस्तों जब हम यहाँ से एंटर करते हैं नई जगह पे एक और, तो ये यहाँ पे इन लोगों ने ये वॉल पेंटिंग बनाई हुई है जो अंदर से खाली है, पेड़ बनाया हुआ है। गाइस देखिए ये इल्यूशन है, यह इल्यूशन है। आपको भी इल्यूजन फील हो रहा है गाइस? हो रहा होगा ना। हाँ हो रहा है भाई, हो रहा है। अरे कहाँ गई? ओए री ओए। सॉरी सॉरी सॉरी, डोंट से दिस। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अबे कभी सीधे तरीके से पेपर पे लाइन खींची है तो मोनालिसा बनाएगी? रहने दे, बेइज्जती मत कर। भाई लोग सच्ची कह रहा हूँ, इतना बढ़िया है ना यहाँ पे, आप लोगों को आना चाहिए।
हम लोग जब आए हैं हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई, पर हमारा मन नहीं कर रहा कि हम रुके, पर बैटरी खत्म होने के कारण हम लोग वहाँ जाना पड़ रहा है। तो इतना मजा आ रहा है कि बार बार एक फोटो को शूट करते रहो, बहुत बढ़िया। दो चार क्लिप्स तो आपने देख ली, अपना आप खुद आइए यहाँ पे और अपनी खुद की मेमोरीज बनाए जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। क्यों आने? आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब पूरे दिन की हार्ड वर्क के बाद हम लोगों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया, स्प्रिंग रोल और ये मसाला डोसा। तो गाइस पूरी वेजिटेबल्स है, पूरी वेजिटेबल्स। स्प्रिंग रोल तो माने को पसंद आ गए, डोसे का रिव्यू तो वैसे ले लो, बढ़िया ही लग रहा है देखने में। तब चलो हम जरा खाना पीना खा लें, फिर हम आपसे बात करते हैं। डोसे का साइज देखो, डोसा है विकेट स्टंप। चलो ओके गाइस, सी यू, टाटा बाय बाय।